से एक वीडियो के साथ आपके बीच में। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ टू मेक मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स नेटवर्क मार्केटिंग का आपको मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। आज टॉपिक पे आते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेट या नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आ रहे होते हैं उनका मुद्दा ही होता है पैसा कमाना। प्रोडक्ट मुद्दा नहीं होता, पैसा कमाना होता है। और पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे मालूम है कि एक छोटा बच्चा भी आता है वो भी यही शौक रहता है कि यहाँ से बड़े पैसे कमाएंगे और वो लोगों को दिखाएंगे जो कई दिनों से ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में, जॉब के अंदर में पैसे कमा रहे हैं उनके सराउंडिंग में या उनके फैमिली में। तो ये विज़न और ये सपना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कोई ना कोई दे रहा हो, जो लोग होता है वो कोई ना कोई नेटवर्कर होता है जो एक दूसरे को दे रहा होता है। लेकिन प्लान कुछ भी हो, कंपनी कोई भी हो, मैं आज मुद्दे पे आता हूँ कि पैसा बनता कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में। पैसा सिर्फ दो चीज़ों से बनता है, पहला परचेज और दूसरा रीपरचेज। समझिएगा, पहला परचेज और दूसरा रीपरचेज, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। कंपनी कोई भी आए, किसी भी तरीके का प्लान लेके आए, चाहे तो आपको वो फोकस कराएगा परचेज पे, चाहे तो वो फोकस कराएगा रीपरचेज पे। अब हम परचेज पे आते हैं। कई ऐसे जगहों में देखे होंगे कि एक बंदा जब शुरुआत कर रहा था किसी बिजनेस को तो उस बिजनेस के अंदर में कहने के लिए लोग कहते हैं कि आपकी आईडी फ्री में लगेगी। लेकिन याद रखिए कि सब लोग अगर फ्री में ही आईडी लगाएगी तो बिजनेस कैसे होगा। तो बिजनेस के लिए उन्होंने, उन लोगों ने कंडीशन क्या रखा है कि अगर आपको बिजनेस करना है आईडी फ्री लगेगी, आपका बिजनेस एक्टिवेट तब होगा जब आप परचेज करेंगे। अब परचेज करने का भी लोगों ने कंडीशन बना रखा है। अब एक चीज याद रखिए, एक कंडीशन ये है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई भी कुछ प्रोडक्ट लेकर किसी भी कंपनी को आप स्टार्ट अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो अब परचेज करने के कई तरीके हैं। परचेज आपको एक प्रोडक्ट से भी लोग आपकी आईडी जनरेट करवा के आपको बिजनेस करवाता है। कई ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अपना ये टेंडेंसी बना रखा है कि आपको यहां पे आके इतने बीवी का या फिर इतने पैसे का परचेज करना है क्योंकि उससे भी बनता है। अब देखिए, इस परचेज के मुद्दे पे आते हैं कि जब परचेज से, कई ऐसे प्लान होते हैं जब जो दोनों चीजों पे टॉपिक पे करता है। अब किसी प्लान के अंदर में 80% जो इनकम होता है वो परचेज पे होता है, किसी प्लान के अंदर में 20% जो इनकम होता है वो रीपरचेज पे होता है, किसी प्लान के अंदर में परचेज पे आपका 80% की जगह 20% होता है, किसी प्लान पे रीपरचेज में 80% होता है। मतलब होता कुछ भी है इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में तो इसी दो टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो सबसे पहले टॉपिक, अगर आप परचेज में जा रहे हैं तो परचेज में याद रखिए कि परचेज से आपने शुरुआत तो कर लिया, तो देखना ये ज़रूरी है कि क्या वो कंपनी के अंदर में परचेज पे जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव की ज़रूरत आपको है, उस तरीके की इंसेंटिव की ज़रूरत है तो आपके लिए वो कंपनी बेहतरीन है। आप परचेज में जाएं, आप बेहतरीन तरीके से वहाँ पे शुरू करें और परचेज से आप एक ज़बरदस्त इनकम बना सकते हैं। कई ऐसी कंपनी होती कि जिसका परचेज में बहुत मार्जिन कम है, बहुत कम पैसे आपको इंसेंटिव के रूप में आते हैं, उनका रीपरचेज में बहुत ज़्यादा है और रीपरचेज में बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको इंसेंटिव या बहुत जो इनकम होता है वो आपको अलग तरीके से मिलता है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि दोनों में से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। आप परचेज करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, रीपरचेज करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी तरीके के कंपनी में जाएँ तो कोशिश करिए कि आप रीपरचेज को फोकस करिए। जाते वक्त आप परचेज करके कर सकते काम, लेकिन जब आपको काम करना है, बिजनेस करना है तो रीपरचेज को फोकस करिए। और कई लोग क्या है ना कि रीपरचेज को फोकस नहीं करते। रीपरचेज को फोकस नहीं करने की वजह से क्या होता है, वो परचेजिंग के पीछे भाग रहे होते और परचेजिंग की इंसेंटिव उठा रहे होते, और परचेजिंग की इंसेंटिव उठाते जब टीम बड़ी हो जाती है और परचेजिंग का इंसेंटिव आप उठा रहे होते तो आपके लिए टीम काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि टीम एक बार आपके साथ परचेज कर लिया, टीम आपके इंसेंटिव एक बार बना दिए परचेज करके, जिसकी वजह से आपका कल के दिन में कितना भी बड़ा टीम बना लो वो फिर से जीरो हो जाता है क्योंकि आप दोबारा उसके पास परचेज के लिए नहीं जा सकते। एक बंदा एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार ज्वाइन कर सकता है, दो बार ज्वाइन कर सकता है, तीन बार ज्वाइन कर सकता है, याद रखिए वो बार बार ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में निरंतर बने रहना है, निरंतर ऊपर उठते रहना है, तो परचेजिंग को जितना फोकस करते उससे कई गुना ज्यादा रीपरचेजिंग को फोकस करिए। अगर एक बंदा, जैसे आज कितना भी मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में सबसे पहले आप देखिएगा कि किसी नए दुकान पे आप पहली बार सौदा लेने जा रहे होते हैं और ये बात दुकानदार को पता होता है क्योंकि वो भी जान रहा होता है कि मेरा रेगुलर कस्टमर कौन है और नया कस्टमर कौन है, और उसको जैसे ही पता चल जाता है कि ये नया कस्टमर है और ये महीने का सामान हमारे यहाँ से रेगुलर ले जा सकता है, तो पहली बार वो बहुत अच्छे से स्वागत और बहुत अच्छी कीमत पर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर आज मैं पहली बार इसको अच्छी कीमत पर प्रोडक्ट दे गया तो ये मेरा रेगुलर कस्टमर होगा और रेगुलर रेवेन्यू जनरेट होगा मेरे लिए। तो इसी तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग
मार्केटिंग के अंदर में आना है, और आप जब परचेज करवा के अच्छी तरीके से उनको बिजनेस देते हैं और बिजनेस के अच्छी सर्विसेज उनको मिलता है तो रिपर्चेज ऑटोमेटिक होता है। रिपर्चेज दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला चीज होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स पर भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स का क्वालिटी पर भी मैटर करता है, प्रोडक्ट्स के पैसे पे भी मैटर करता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये कंपनी के हाथ में, और जो हमारे हाथ में है उसको फोकस करना है। जब आप किसी भी बंदे को परचेज करवा के इस बिजनेस में ला रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उनको अपना पहले का जो दुकान है, जो पहले उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट कहीं और से लेते थे, उनको कोशिश करिए कि रिपर्चेज के अंदर में है। और जब रिपर्चेज की टेंडेंसी आपके अंदर में बनेगा तो याद रखिए, एक बंदा ज्वाइन करके हर महीने अगर सामान बाहर से खरीद सकता है और वो सामान अगर आपके बिजनेस से खरीदेगा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा चेक बनेगा। अगर एक इंसान की वजह से जहां कुछ नहीं बनता था वहां अगर 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए बन रहा है और बनने का जरिया बन रहा है वो आपके लिए, तो रिपर्चेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस अपने अपने जगह पे बहुत है। रिपर्चेज भी नहीं आप छोड़ सकते और परचेज भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परचेज करवाएंगे तभी तो लोग आएंगे आपके साथ बिजनेस में, और जब परचेज करवा के आपके साथ बिजनेस में आएंगे तो उससे भी लोग कैपिंग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख जैसी जो कंपनी है जिसकी कैपिंग है वैसा कमाते हैं। और रिपर्चेज जब वो बंदा आता है और रिपर्चेज करता है तो वो हमेशा आप कमाते हैं, हर महीने में उस बंदे के माध्यम से आपको इनकम बनता है। और ये कंडीशन सिर्फ आपके साथ नहीं होता, आपके सिस्टम के एक एक बंदों के साथ होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन है। कभी ऐसा होता है कि जब हम समझा रहे होते हैं और समझा रहे तो सामने वाले को, तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ फायदा उनको होगा जो समझा रहे हैं हमें। नहीं, फायदा सबको होगा परचेज से रिपर्चेज से। अब ये दो टॉपिक बहुत मुद्दा बहुत अहम है जो नेटवर्क मार्केटिंग में ख्याल करना है। अब इसी बीच में कई ऐसे चीज आ जाते हैं, स्पॉन्सर आ गए, इंसेंटिव आ गए, मंथली टर्नओवर आ गया, फिर कंपनी टर्नओवर अभी चला हुआ टॉपिक है आ गया। याद रखिए ये सारे चीज यही दोनों चीजों से घूमता फिरता हुआ है। अगर आप ये दोनों चीजों पे फोकस कर लेंगे और इस दोनों पे जब फोकस करके आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई हिला नहीं सकता और आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। पहली टॉपिक परचेज और दूसरी टॉपिक रिपर्चेज, ये दोनों पे आपको फोकस होना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मुझे रिपर्चेज करवाने में समय नहीं है, रिपर्चेज कराने में समझ में नहीं आता, लोग को बीवी कम मिलेगा, पैसे कम आएंगे, ये होगा वो होगा, अगर आप 10 तरीके की बात सोच रहे हैं तो याद रखिए कि 100 रुपये का अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री समझ रहे हैं कमाने का, तो आप 100 रुपये में चाहे तो 20 चाहे तो 30 रुपये नहीं कमा पाएंगे वो रिपर्चेज की वजह से। तो करना दोनों है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूरी है। कई ऐसे लोग होते हैं फोकस पहले ही दिन से फोकस, हाँ यह एक चीज याद रखिए कि फोकस क्या करना है। आपको इंस्टेंट पैसे चाहिए तो इंस्टेंट देखना है कि किस चीज से इंस्टेंट पैसे आएंगे, परचेज से या रिपर्चेज से। अगर आपको लगता है कि परचेज से इंस्टेंट पैसे आएंगे तो आप काम करिए, लेकिन अपने दिमाग में ये बात सेट रखिए कि रिपर्चेज भी करना है, क्योंकि हमें 100% परफेक्ट बनना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, पैसे कमाने में, बतौलाबाजी में नहीं, पैसे कमाने में परफेक्ट बनना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर 80-90% लोग ना बतौलाबाजी में परफेक्ट हो जाते हैं कि ये कंपनी बढ़िया है, वो कंपनी बढ़िया है, ऐसा कंपनी बढ़िया है। लेकिन अगर उनको पूछ दीजिए, एक्सपीरियंस आपको बताएंगे 9 साल 8 साल 10 साल 12 साल पूछ दीजिए आपने इनकम कितना किया, तो इनकम खत्म हो जाएगा। तो भैया मेन चीज जो है ना, बेसिक जड़ जिसको बोलते हैं मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, कुछ भी बोल लीजिए, वो पैसा है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर आप 24 घंटे में 23 घंटे काम करके घर पे आए हैं और घर पे आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, लास्ट 1 घंटे बचे हैं एक दिन का, आप सोने जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि कोई बंदा आपके साथ इतने से बिजनेस करने वाला है, और आप तुरंत उसको ये नहीं कहते कि मैं थक चुका हूं, आप तुरंत उठते हैं और आप उसको बिजनेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपको वहां सिर्फ दिखता है पैसा। तो पैसा एक ऐसा मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप बेहतरीन कर सकते हैं। और आज मैं फिर इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितना पैसा है बिना 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 अपने इन्वेस्टमेंट का, उतना किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में नहीं है। और फिर से ये दोबारा इस बात को सुन लीजिए कि जितना ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में है वो कहीं नहीं है। तो आप आज से इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे, और मुझे मालूम है कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाया कि आप एक पैसा बना कैसे सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। और इसी के साथ कीप ग्रोइंग विथ फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच।